हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नाउ। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश प्रिंट टू पैरामाउंट, और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए है, ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। तो इसमें ग्रामर में आज हमारा टॉपिक है वॉइस। कल हमने स्टार्ट किया था, आज इसका सेकेंड पार्ट है। तो 14 तक हमने कर लिए थे, अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे ग्रामर के अलावा इसमें फिलर्स, और उसके बाद हम वोकैब्स वाले पार्ट पे आएंगे, वोकैबलरी, idiom phrases और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे सीक्वेंस से चलते हैं वैसे ही स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखे ज़्यादातर जो एक्सरसाइज में की थे क्वेश्चंस, वो आपके पैसिव में हेल्पिंग वर्ब एलिमिनेट हो रही थी, मतलब वहाँ पे मैं पहचानना था कि ये सेंटेंस जो है ये एक्टिव है या पैसिव है, कल इस टाइप के क्वेश्चन थे। आज जो इन्होंने एक्सरसाइज में आएगी, इसमें फोकस इन्होंने ये किया है कि जो प्रपोजिशन लगती है, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि पैसिव वॉइस का मतलब है सिर्फ बाय, बट ऐसा नहीं होता है। बाय भी हो सकता है, विद भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है इससे पहले, ठीक है। तो जो वर्ड यूज़ हुआ है उसके लिए आपका प्रपोजिशन आती है। और सीक्वेंस एक बार हम बता देते हैं, हो सकता है किसी को सीक्वेंस ना बताओ। देखिए, एक्टिव वॉइस के लिए, एक्टिव वॉइस मतलब जो आपके सिंपल सेंटेंस होते हैं, सीधे सीधे जो आप कहते हैं, उनमें क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और रिमेनिंग आपका पार्ट, केसी, कांस्टेंट, आप कुछ भी मान सकते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऑब्जेक्ट आपको दिखे यहाँ पर इस तरह से, वो अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, ठीक है, फिर आपको मिलेगा बाय, बाय के साथ ये वाला कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फिर आपका होगा सब्जेक्ट, और फिर आपका रिमेनिंग पार्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये फ्रेमिंग होती है टोटल हेल्प। और टेंस भी चेंज हो जाते हैं, जैसे आपका हैज़, तो उसमें हैज़ बीन यूज़ होगा पैसिव वॉइस में, तो इस तरह से विल यूज़, सिंपल फ्यूचर जो होता है विल, इसमें विल भी यूज़ होगा, इस तरह से ये सब चेंजेस आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इतना पता होगा। 3 है आज। बाय द टाइम ही अराइव्ड एवरीबडी हैड बीन गॉन। अब पैसिव में क्या होता है, काम खुद नहीं करता है, किसी के थ्रू किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये घुमा फिरा के, जिसको हम लोग कहते हैं बात करना कॉमन लैंग्वेज में, उस तरह से बात की जाती है। अब बाय द टाइम ही अराइव, जैसे ही वो आया, एवरीबडी हैड बीन गॉन। अब यहाँ पे हैड बीन सही है, हैड गॉन ये दिखा रहा है कि ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, लेकिन बीन लगा है, पैसिव में जा रहा है, इनका मतलब है कि सब लोग चले गए, तो ये पैसिव में तो नहीं, एक्टिव में जा रहा है, तो इसलिए बीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, आई एम एक्सट्रीमली अनॉयड बाय द मिसमैनेजमेंट। देखिए, आई एम हेल्पिंग वर्ब हो गई, एक्सट्रीमली अनॉयड थर्ड फॉर्म हो गई, सही है, बाय द मिसमैनेजमेंट। अब यहाँ पे एरर है या नहीं, बहुत से लोग इसको नो एरर जल्दी से कर देंगे कि ये पैसिव वॉइस है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय लगा है, सही है, लेकिन अनॉयड के साथ बाय नहीं आता है। अनॉयड के साथ प्रपोजिशन रहती है या तो एट रहेगी या फिर विद रहती है, ठीक है, जैसा कि और भी वर्ड्स के साथ होता है कि विद क्या होता है, विद किसी मतलब समवन के लिए यूज की जाती है, विद, ठीक है, अनॉयड विद समवन, और अनॉयड एट यूज होता है समथिंग, ठीक है, किसी चीज के लिए यूज की जाती है। अब यहाँ मिसमैनेजमेंट वर्ड है, ठीक है, कोई पर्सन नहीं है, तो मिसमैनेजमेंट के लिए एट यूज होगा, तो यहाँ पे बाय रिमूव होकर एट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द मॉल वॉज एनगल्फ्ड बाय द फायर। एनगल्फ्ड क्या होता है, मतलब घिरा हुआ है। द मॉल वॉज सही है, एनगल्फ्ड ईडी है, थर्ड फॉर्म में है, बाय द फायर, इसमें भी यही बताया गया है कि एनगल्फ्ड जो वर्ड है आपका, इसके साथ जो प्रपोजिशन आती है बाय नहीं आती है बल्कि इन आती है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा बता देते हैं, देखिए एट के साथ और कौन कौन से कॉमन कुछ वर्ड्स होते हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो आपको बता देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, एट के साथ आपका आता है अमेज्ड, ठीक है, अमेज्ड वर्ड आता है, एस्टोनिश्ड वर्ड आता है, नॉक्ड आता है, वेक्स्ड आता है, ये सब कॉमन वर्ड हैं, एनॉयड है, इनके साथ एट आता है। अब इन जो है, इन आता है एनगल्फ्ड के साथ और कंटेन के साथ और डिसइंटरेस्टेड, इन सब वर्ड्स के साथ इन आता है, ठीक है। अब जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे वहाँ पे हम आपको बताते जाएंगे।
अब ये वाला है, इट बिलीव्ड अर्लियर दैट द सन रिवॉल्व्ड राउंड द अर्थ, दैट द सन रिवॉल्व्ड राउंड द अर्थ, ठीक है, इट बिलीव्ड कह रहे हैं ये, अर्लियर यानी कि पास्ट में जा रहा है, तो इट वॉज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं इन्होंने लगाई है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वॉज आएगी, ठीक है, इट वॉज बिलीव्ड अर्लियर, ये एरर है यहाँ पे. नेक्स्ट है, एज शी वॉज वेयरिंग स्कैम्पी क्लोथ शी वॉज स्टेयर्ड. स्टेयर्ड पता है आपको, देखना, ध्यान से देखना, घूरना, इस सेंस में यूज करते हैं, क्योंकि उसने इस टाइप के स्कैम्पी क्लोथ पहन रखे थे, तो लोग, अब वो लोगों के थ्रू उसको देखा जाएगा ना, वो खुद नहीं देख रही, लोगों के थ्रू उसको स्टेयर किया जाएगा, तो ये सेंटेंस इसमें जाएगा, पैसिव में जाएगा, पैसिव के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, शी वॉज सही किया है लेकिन स्टेयर्ड कर दिया, स्टेयर्ड ठीक है थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे स्टर्ड जो अपने साथ प्रपोजिशन लेती है वो एट लेती है, तो ये भी एक वर्ड याद रखिएगा, वॉज एट स्टर्ड, ये हो जाएगा आपका राइट. नेक्स्ट है, यू बिहेव इन सच अ वियर्ड मैनर दैट एवरीबडी डिस्कस्टेड विद यू. यू बिहेव प्रेजेंट में है, ठीक है, तुमने, तुम्हारा जो एकदम जो एटीट्यूड था, जो तुमने बिहेव किया वो एकदम वियर्ड था, ठीक है, एवरीबडी डिस्कस्टेड विद यू, तो सब लोग क्या करते हैं, तुमसे चिढ़ते हैं, डिस्कस्टेड के साथ विद आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एवरीबॉडी के बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका कंजंक्शन जो आपका विद लगता है डिस्कस्ड वर्ड के साथ, और फिर आपका आ जाता है यू. तो देखेंगे टेंस यहाँ पे प्रेजेंट में है, यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, एवरीबॉडी इज डिस्कस्टेड विद यू. नेक्स्ट है, 10 mangoes आर कंटेन्ड बाय दिस बॉक्स. अब 10 mangoes है, इनके साथ आर सही है, कंटेन्ड भी है, पैसिव सेंटेंस है, बाय द बॉक्स, कंटेन के साथ हमने बताया था, अभी प्रपोजिशन लगता है इन, बाय नहीं लगता, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आते हैं, इसमें प्रैक्टिस इसकी कीजिए, पैसिव वॉइस की, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही होगा. अ गैंग ऑफ रॉबर्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस लास्ट नाइट नियर द आईलैंड. अ गैंग ऑफ रॉबर्स वर अरेस्टेड बाय द पुलिस, बाय द पुलिस तो ठीक है, अरेस्टेड ठीक है, ये वर सही है, गैंग ऑफ रॉबर्स क्या है, एक कलेक्टिव नाउन की तरह है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगी यानी कि वॉस होगा, ठीक है, तो वर को रिमूव करके वॉस हो जाएगा. नेक्स्ट है, द स्ट्रीट्स ऑफ रोम वर थ्रोंग्ड बाय द कॉमन पीपल. थ्रोंग क्या होती है, भीड़ को कहते हैं, तो रोम की जो स्ट्रीट थी उसके साथ क्या आ गया, वर आ गया, ठीक है, ये बिल्कुल सही है. थ्रोंग्ड बाय द कॉमन पीपल, थ्रोंग जो होता है ये वर्ड बाय नहीं लेता है बल्कि विद लेता है, ठीक है, तो जितने अच्छे आपकी प्रपोजिशन जो लिस्ट होती है उसकी बुक में दी होती है, किसी भी बुक में दी होती है, जितने अच्छे आपकी वो होगी यहाँ पर उतना अच्छे आप कर पाएंगे. वैसे इस टाइप के वर्ड्स जो सेंटेंसेस होते हैं, जब जैसे जितना आप ज़्यादा रीडिंग करेंगे उससे समझ में आएगा किसके साथ कौन से प्रपोजिशन यूज होती है, तो थ्रोंग्ड विद द कॉमन पीपल हो जाएगा. नेक्स्ट है, एवरीवन सेज दैट ही बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स. अब देखिए, एवरीवन सेज सही है, इनडेफिनेट में है प्रेजेंट, ही बॉर्न, बियर का थर्ड फॉर्म होता है बॉर्न, ये पता है, ऑफ पुअर पेरेंट्स, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, ठीक, ही वॉज बॉर्न होगा, ठीक है, ही वॉज बॉर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स. नेक्स्ट है, द शिप सैंक एंड एवरीवन अबॉर्ड ड्रोन्ड. देखिए, एक चीज हमने बताई थी, जो सिंक वर्ड होता है और जो ड्रोन वर्ड होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम बता चुके हैं, सिंक जो वर्ड यूज होता है उसका भी मतलब डूबना होता है, लेकिन वो नॉन लिविंग चीजों के लिए यूज किया जाता है, जैसे शिप को करा रहे हैं सिंक, उसी तरह अगर कोई इंसान को कराएंगे, लिविंग चीज को कराएंगे, तो वहां पे ड्रोन वर्ड आता है. अब देखिए, द शिप सैंक, इन्होंने पास्ट इंडेफिनिट लिया है, सिंक सैंक संक होता है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, ये वाला सेंटेंस. अब एवरीवन अबॉर्ड, अबॉर्ड क्या मतलब होता है, जिसके आसपास है, वो सब लोग क्या हो गए, डूब गए, वो खुद से तो डूबेंगे नहीं, है ना. देखिए यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर वॉज आएगा, ठीक है, एवरीवन है तो आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी यानी कि वॉज होगी, तो एवरीवन अबॉर्ड वॉज ड्रोन्ड होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर पास्ट है इसलिए यहाँ पर वॉज आया है. नेक्स्ट है, इफ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व द ट्रैफिक रेगुलेशन, मोटरसाइकिल चलाते हैं वो अगर ऑब्जर्व नहीं करते हैं, डू नॉट ऑब्जर्व सिंपल सेंटेंस है यहाँ पे प्रेजेंट में है, दे विल बी स्टॉप्ड, टिकेटेड एंड हैव टू पे अ फाइन, ये बहुत अच्छा है, अब इसको ध्यान से समझिए.
देखिए इसमें पैसिव वॉइस के साथ साथ इन्होंने टेंस को भी समझाया है। इफ से स्टार्ट हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है। दे विल बी स्टॉप्ड, अब ये विल बी आ रहा है यानी कि पैसिव का फ्यूचर है, समझ में आ रहा है। दे विल बी स्टॉप्ड, उन्हें रोका गया और टिकट दिया गया। एंड हैव टू पे अ फाइन, अब यहाँ हैव टू पे अ फाइन, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? अब ये वाला पार्ट तो इनका पैसिव में जा रहा है, लेकिन ये जो चीज है ना, उनको पैसा फाइन देना होगा, तो ये पैसिव नहीं है, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, तो लेकिन फ्यूचर में होगा, ठीक है? क्योंकि ये कौन सा है, कंडीशनल सेंटेंस की जो इफ वाली आपकी क्लॉज है, ये प्रेजेंट में, तो ये जो दूसरी वाली क्लॉज है ये फ्यूचर में, तो पूरी फ्यूचर में होगी। एंड हैव टू पे ये अधूरा है, तो विल हैव, विल होगा यहाँ पर यूज, तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर विल हैव टू पे अ फाइन, एंड के बाद आप क्या करेंगे, विल लगा देंगे। नेक्स्ट है, देयर विल बी नो मोर सप्लाईज अनलेस ऑल एरियर्स ऑफ पेमेंट वर क्लियर्ड बाय नेक्स्ट मंडे। ये क्या कह रहे हैं, विल बी नो मोर सप्लाईज, विल बी पैसिव में है यानी कि सप्लाई नहीं की जाएगी, अनलेस कब तक नहीं, जब तक जितना भी अरियर्स होता है, जितना भी आपका बचा हुआ रिमेनिंग पेमेंट है, वो जितना भी आपको बचा हुआ पेमेंट नेक्स्ट मंडे तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है, देयर विल बी नो मोर सप्लाईज, ये सही है, अनलेस ऑल अरियर्स ऑफ पेमेंट वर क्लियर, प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है, वर नहीं होगा यहाँ पर, ऑल अरियर्स ऑफ पेमेंट किससे, आर होगी, ठीक है, प्लूरल होगी और आर होगी। अब वर क्यों हटा, क्योंकि ये क्या है, फ्यूचर में सेंटेंस, ये वाला फ्यूचर में आपका, ये वाला किस में होगा, प्रेजेंट में होगा। टेंस में हम बता चुके हैं कि जो दो क्लॉजेस हो और एक प्रेजेंट में हो एक फ्यूचर में हो, तो जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हमेशा प्रेजेंट में होता है और जो सेकेंड एक्शन होगा वो फ्यूचर में जाएगा। अब देखिए आप जब तक पेमेंट क्लियर नहीं कर देंगे तब तक सप्लाई नहीं होगी ना, तो आपका पेमेंट क्लियर करने वाली क्लॉज पहले नंबर पे आएगी, इसलिए वो प्रेजेंट में जाएगी, इसलिए यहाँ पे वर हट के आर हुआ है। नेक्स्ट है, द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, ये सही है, यहाँ पर पोजिशन बिल्कुल सही है, वॉज नॉट डिक्लेयर्ड सो फार, फार कह रहे हैं यानी कि अभी तक जो है उनके फादर की डेथ डिक्लेयर नहीं की गई है, वॉज नॉट डिक्लेयर्ड कह रहे हैं, कौन सा होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, अभी तक नहीं की गई है ना, तो प्रेजेंट में चीजें आ गई तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, यानी कि हैज नॉट बीन, पैसिव है तो बीन लगेगा, हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड सो फार, ठीक है, समझ में आ रहा है, येट हो या फिर सो फार हो, मतलब कि वो क्या किस में आ गई, प्रेजेंट में चीज आ गई है, तो वहां पर इस तरह से यूज करते हैं हम, क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हैज नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम फिलर्स पे, देखिए 60 तक हो गए थे, आज 61 से करना है। वी वॉर्न्ड हर डैश द डेंजर, वॉर्न्ड कर रहे हैं, अब देखिए वॉर्न के लिए दो यूज होते हैं, या तो ऑफ होता है या अगेंस्ट होता है, ऐसी चीज हो रही होती है जो एक्शन कर रहा होता है, तो हमें वहां पे उसको रोकना होता है, तो वहां पर जो आपकी प्रपोजिशन आएगी अगेंस्ट आएगी, अदरवाइज जब भी कोई जैसे न्यूज होती है किसी भी चीज के लिए वार्न उसमें करते हैं कि सुनामी आने वाली है या फिर मौसम खराब होने वाला है, तो उसके लिए जब भी वार्न करते हैं तो वहां पे ऑफ लगाते हैं, ठीक है, तो ये डिफरेंस समझिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ऑफ आएगा, वी वॉर्न्ड हर ऑफ द डेंजर। नेक्स्ट है, वी ऑल लव्ड डैश द अफेयर, अब देखिए लव्ड के साथ एट आता है, बहुत कॉमन है उसका मतलब होता है मजाक उड़ाना, सिंपल लाव डैट मजाक उड़ाने की जहाँ पे सेंस आता है। नेक्स्ट होता है लाफ्ड ऑफ, ऑफ वहाँ पे डबल एफ वाला होता है, लाफ्ड ऑफ वो भी वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पर कोई सीरियस मैटर हो और आप उसको हंसी में निकाल दें, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे सेंस इस तरह से आ रहा होता है वहाँ पे लाफ्ड ऑफ यूज होता है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर यूज होगा वी ऑल लाफ्ड, आप इस अफेयर पे क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ठीक है, तो ओवर वर्ड आएगा, लाफ्ड ओवर द अफेयर। नेक्स्ट है द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स, अब यहाँ पर देखिए डैश टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्चून, एज वर्ड आया है, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, चेयरमैन को देखते हैं और मेंबर्स को देखते हैं, दोनों अलग अलग हैं, आर लगा देंगे जल्दी से। यहाँ पर समझिए कि जब भी सब्जेक्ट आपका पहला जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड आगे की चीजें होती हैं,
ठीक है, तो चेयरमैन और उसके मेंबर्स की बात है, ठीक है, उससे रिलेट कर रही हूँ या फिर किसी काम में इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, इन्वॉल्व विद करके आए, टुगेदर विद करके आए, तो आपके वो एक कलेक्टिव नाउन के तौर पे लिया जाता है, और जो आपकी वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वहाँ पे, ठीक है। तो चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर्स इज टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्चून हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही इज द मोस्ट जनरस मैन, आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही इज द मोस्ट, यहाँ पे इज है, आई हैव नोन, सिंपल होगा, आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है, द सडन चेंज इन हिज बिहेवियर केम एज अ सरप्राइज टू मी, आई बिगेन टू कट अ सॉरी फिगर, टू स्मेल अ रैट, टू टर्न अ न्यू लीफ, टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। अब देखिए, कभी कभी ईडियम से भी फिलर्स में पूछ लिया जाता है, टू स्मेल अ रैट ईडियम, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, ये वाली जब भी आपको सेंस आए कि कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है, अचानक से क्या हुआ, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, वो सरप्राइज हो गया एकदम, ठीक है, यानी कि कुछ उसको क्या लग रही है, स्मेल लग रही है, टू स्मेल अ रैट, इस तरह से याद करवाया था, तो यानी कि वहां पर उसे कुछ शक हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, यानी कि। नेक्स्ट डे ही वर्क्स हार्ड बाय डे एंड स्लीप साउंडली एट नाइट विथ डैश क्लियर कंसाइंस, विद अ क्लियर कंसाइंस होगा, ठीक है, विद अ क्लियर कंसाइंस। नेक्स्ट, द लाइट्स वेंट आउट वाइल वी डैश द एग्जामिनेशन। देखिए, वाइल वर्ड जो होता है ना, ये कंटिन्यूअस लेता है तो सेंटेंस को, ठीक है, तो लाइट्स वेंट आउट वाइल वी, जब वो कुछ कर रही थी तो क्या कर रही थी, वर्क टेकिंग होगा, आर टेकिंग होगा। अब देखिए, यहाँ पर वेंट यूज हुआ है ना, तो यहाँ पर पास्ट यूज हुआ है, यहाँ पे भी आपका पास्ट हो जाएगा, यानी कि वर्क टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एग्जैक्ट रीजंस फॉर देयर डिसएग्रीमेंट डैश येट टू बी मेड पब्लिक, येट टू बी मेड पब्लिक बता रहा है कि चीजें अभी बाकी हैं होना, रीजंस जो एग्जैक्ट रीजंस हैं उनके डिसएग्रीमेंट के, वो अभी पब्लिकली अभी नहीं आए हैं, वो आने हैं, एग्जैक्ट रीजंस है, ठीक है, और आर होगा, ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो एग्जैक्ट रीजंस के लिए आर यूज होगी। नेक्स्ट है, द फर्म हैज बीन डीलिंग डैश लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। अब देखिए, लग्जरी जो वर्ड, सॉरी, डीलिंग जो वर्ड होता है, डील, वो अपने साथ लेता है इन भी लेता है, विद भी लेता है। डील इन जो हम लोग यूज करते हैं वो तब जब हम लोग ट्रेड पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, तब डीलिंग इन यूज करते हैं, और किसी के साथ, किसी से निपटने की जहाँ पे सेंस आता है, किसी के साथ निपटने की बात आती है, तो वहां पे डील विद होता है। अब यहाँ पे लग्जरी गुड्स फॉर मोर देन 2 डिकेड्स, यहाँ पे आपका ट्रेड सेंस दे रहा है, तो आपका आ जाएगा डीलिंग इन लग्जरी गुड्स। नेक्स्ट है, शी डैश इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स बट हैज नॉट सीन द इंडिया गेट। 2 सालों से वो कहाँ रह रही, दिल्ली में रह रही है, लेकिन फिर भी उसने अभी तक इंडिया गेट नहीं देखा है। कंटीन्यूअस में आ जाएगा, हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नेक्स्ट है, आई एम सॉरी डैश द मिस्टेक, तो आई एम सॉरी फॉर लेता है अपने साथ, सॉरी फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट है, द यूनियन बजट इज लाइकली टू बी प्रेजेंटेड ऑन Feb 26, 2 डेज अहेड ऑफ द डैश डेट। तो यहाँ पे सुटेबल डेट होगी, क्रिटिकल, कन्वीनियंट या फिर कन्वेंशनल डेट, तो देखिए कन्वेंशनल डेट होगी, यानी कन्वेंशनल डेट जो फिक्स थी तो उससे 2 डेज अहेड हो गई। तो ये आज की हो गई फिलर्स। अब हम जल्दी से आ जाते हैं अपने वोकैब्स पार्ट पे। गैग तक हो गया था, आज गैलेंट्री से है, तो देखिए गैलेंट्री कहते हैं ब्रेवरी को, बहादुरी को कहते हैं, ठीक है, गैलेंट्री। नेक्स्ट है गैरिश, गैरिश कहते हैं जो बहुत भड़कीला चमकीला टाइप का होता है, और ब्राइट इन कलर या गॉडी कहते हैं, गैरिश कहते हैं, ठीक है। गार्नर, गार्नर होता है कोई चीज इकट्ठा करना, गैदर करना, स्टोर अप, गैदर, ठीक है, गार्नर हो गया। गॉक होता है बुद्धू की तरह देखना एकदम, यानी कि स्टेयर फुलिशली, स्टेयर फुलिशली गॉक कहते हैं। जेनेसिस कहते हैं किसी भी चीज की शुरुआत, कमेंसमेंट आप कह सकते हैं, बिगिन, ठीक है, द ओरिजिन ऑफ समथिंग, जेनेसिस। फिर है जायगैंटिक, जायगैंटिक कहते हैं एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सा हो, ठीक है, जायगैंटिक यूज होता है। एनॉर्मस यूज होता है वर्ल्ड। और ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब होता है अलॉन्ग एंग्री लुक, जो घूर कर गुस्से से देखते हैं उसको कहते हैं ग्लेयर। नेक्स्ट है ग्ली, ग्ली कहते हैं बहुत ज्यादा खुशी को, यानी कि ग्रेट डिलाइट, ग्ली कहते हैं। फिर है ग्लिमर,
ग्लिमर कहते हैं जो एक उम्मीद की रोशनी, जिसको उम्मीद की किरण हम लोग कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लिमर, यानी कि अ फेंट लाइट, अ स्लाइट साइन ऑफ समथिंग गुड, कि कुछ अच्छा होगा, उम्मीद की किरण। नेक्स्ट है ग्लम। ग्लम कहते हैं डिसअपॉइंट हो जाना, मतलब डिसअपॉइंटेड और अनहैप्पी एंड क्वाइट, ऑब्वियसली अनहैप्पी और क्या हो जाएगा, खामोश हो जाएगा, ग्लम कहते हैं, गम से कह सकते हैं आप इसको, ग्लम। ठीक, नेक्स्ट है ग्लटन। ग्लटन कहते हैं वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो उसको कहते हैं ग्लटन। नेक्स्ट है गॉमेट। गॉमेट कहते हैं, मतलब समझ लिए मास्टर शेफ, ठीक है, बहुत अच्छा बनाता हो, कुकिंग बहुत अच्छी हो, अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड एंड कुकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैंडियर। ग्रैंडियर कहते हैं ये यूज किया जाता है जो अच्छी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उनके लिए यूज किया जाता है, स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं उनके लिए, वहां पर वर्ड ये यूज किया जाता है। द क्वालिटी ऑफ बींग वेरी ब्यूटिफुल एंड अट्रैक्टिव, भव्य हिंदी में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैपल। ग्रैपल कहते हैं स्ट्रगल करना, यानी कि रेसल, ठीक है, ग्रैपल। फिर है ग्रीवस। ग्रीवस कहते हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे हो, बहुत ज्यादा परेशानी भरा हो, है ना, हैविंग वेरी सीरियस इफेक्ट और कॉजिंग पेन, ग्रीवस कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क कहते हैं जो कोई चीज बहुत ज्यादा बिगड़ जाए और बुरी लगे, जैसे मेकअप के लिए कह सकते हैं कि जब मेकअप खराब हो जाता है तो वहां पे वर्ड यूज किया जा सकता है ग्रोटेस्क। ठीक है, तो अनप्लीजेंट और डिस्टॉर्टेड। नेक्स्ट है ग्रम्बल। ग्रम्बल जो गुस्से में इंसान बड़बड़ाता है उसे कहते हैं, यानी कि टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एन एनॉयड वे। नेक्स्ट है गफ्फा, उसको कहते हैं जो हंसी बहुत तेजी से निकलती है, शोर मचाने वाली हंसी होती है, नॉइसी लाफर, ठीक है, तो उसे कहते हैं। नेक्स्ट है हैगर्ड। हैगर्ड कहते हैं जो थोड़ा सा बीमार होता है, थोड़ा थका थका सा लगता है, उसे कहते हैं हैगर्ड, यानी कि लुकिंग इल और टायर्ड। नेक्स्ट है हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म उनको कहते हैं जो ओले पड़ते हैं, हेल्स जो बारिश के साथ, अ सडन हैवी फॉल ऑफ हेल, तो हेल स्टॉर्म कहलाएगा। हेलुसिनेशन आपको बताया, भ्रम को कहते हैं, यानी कि जो चीजें रियल में एग्जिस्ट ना कर रही हो, टू सी और फील समथिंग और समवन दैट डजंट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है हेल्पलेस। हेल्पलेस कहते हैं जो उस पर आपको तरस आए, मतलब एकदम हेल्पलेस हो, अनलकी हो, बेचारा टाइप हो, ठीक है, हेल्पलेस कहेंगे, हेल्पलेस से याद रखिएगा, हेल्पलेस। ठीक है, नेक्स्ट है हार्ड हार्टेड। अब हार्ड है सख्त, मतलब कि सख्त दिल, पत्थर दिल, अ पर्सन हु इज नॉट काइंड, जो मर्सीलेस हो, ठीक है। नेक्स्ट है हैरोइंग। हैरोइंग कहते हैं जो परेशान करने वाला हो, यानी कि एक्सट्रीमली अपसेटिंग, अनोइंग कह सकते हैं हैरोइंग, ठीक है, एक्सट्रीमली अपसेटिंग। नेक्स्ट है हैरी। हैरी कहते हैं टू अनोय, परेशान करना, इसी का दूसरा सेंस है। नेक्स्ट है हेसन। हेसन कहते हैं जल्दी करने को, रश, हेसन, ये सब जल्दी करने में आते हैं, यानी कि हरी एंड डू थिंग्स क्विकली। नेक्स्ट है हैच। हैच कहते हैं कि कोई भी सीक्रेट प्लान करने को या फिर कॉन्स्पिरेसी करने को, टू मेक सीक्रेट प्लान, हैच हो गया। हॉटी कहते हैं एरोगेंट को, जो बहुत घमंडी होता है, हॉटी, ठीक है। हजार्डस कहते हैं जो खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। हेड स्ट्रोंग। हेड स्ट्रोंग है, इससे सेंस निकाल सकते हैं आप, क्या है, स्टबर्न है, जिद्दी है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वोकैबलरीज आपकी हो गई है, जल्दी से हम क्या देख लेते हैं, वन वर्ड। कल हमारी मीजोलॉजिस्ट तक हो गई थी, जो लॉजिक से नफरत करे, यानी कि लर्निंग से नफरत करे, देखिए मीजोनिस्ट कह रहे हैं, ठीक है, जो नई चीजों से नफरत करे, यानी कि हेटर ऑफ न्यू थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मिशनरी। मिशनरी कहते हैं जो टीच करते हैं, रिलीजन को आगे प्रमोट करते हैं, ठीक है, अ पर्सन सेंट टू टीच क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट है मोनास्ट्री। मोनास्ट्री कहते हैं जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं, यानी कि प्लेस वेयर मॉन्क्स लाइव। नेक्स्ट है मोनोगैमी। मोनो मतलब वन होता है, गैमी मतलब मैरिज होती है, जो यानी कि ओनली वन वाइफ, ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ओनली वन वाइफ। नेक्स्ट है मॉर्टल। मॉर्टल सब्जेक्ट टू डेथ, ठीक है। मॉर्चुअरी क्या होता है, मॉर्चुरी जहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं, यानी कि अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, ठीक है। नेक्स्ट है म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन कहते हैं बॉडी पार्ट्स को काटना, यानी कि कटिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स म्यूटिलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है नेव। नेव कहते हैं सीधा साधा भोला भाला को, यानी कि क्रेडुलस जिसको कहते हैं, हैविंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, बहुत ज्यादा सीधा साधा हो, नेव कहलाएगा। नेक्स्ट है नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स कहते हैं मेडिसिन जो कि क्या करती हैं, नशा जिसमें होता है, यानी कि दैट इंड्यूसेस स्लीप।
नेचुरलिज्म जो कि नेचर से रिलेटेड हो, अडेरेंस और अटैचमेंट टू वॉट इज नेचुरल, जो नेचुरल से जो लगाव रखता हो, ठीक है, अटैच हो उससे। नेक्स्ट है न्योगैमिस्ट। न्यू नया को कहते हैं, यानी कि न्यू, न्यू मतलब न्यू, और गैमी मतलब मैरिज, यानी कि वन हु इज रिसेंटली मैरिड, उन्हें कहेंगे न्योगैमिस्ट। नेक्स्ट है नेपोटिज्म, ये तो बहुत सुना है आपको, भाई भतीजावाद जैसे कहते हैं। अनड्यू फेवर शोन टू वंस ओन रिलेटिव, ये फिल्म इंडस्ट्रीज में चलता है नेपोटिज्म, काफी आपने सुना होगा ये वर्ड। नेक्स्ट है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक, न्यूरो जो वर्ड होता है ये ब्रेन से रिलेटेड होता है, मतलब आपके थॉट्स ब्रेन से रिलेटेड होता है, तो न्यूरोटिक कह रहे हैं, मतलब कि एक्सेसिव सेंसिटिव एंशियस ऑब्सेसिव, समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, एंशियस हो, उसको कहेंगे न्यूरोटिक। नेक्स्ट है न्यू फैंगल्ड। न्यू फैंगल्ड, अब न्यूली डेवलप्ड एंड अनफैमिलियर, ठीक है, जो बिल्कुल अनजानी सी हो, जिसके लिए आप फैमिलियर ना हो, जिसको आप पहले से जानते ना हो। नेक्स्ट है नॉन एंटिटी। नॉन एंटिटी कहते हैं पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, ठीक है, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ना हो, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस ना हो। नेक्स्ट है नॉन परियल। नॉन परियल कहते हैं जिसकी बराबरी आप किसी से ना कर सकें, यानी कि पर्सन या थिंग कोई भी हो सकता है, विच हैज नो इक्वल, जिसके बराबर कोई ना हो, ठीक है, नॉन परियल कहेंगे उसे। नोटोरियस, नोटोरियस जो कि बहुत ज़्यादा अपनी बुराइयों की वजह से क्या होता है, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है, यानी हैविंग एन एविल रेपुटेशन, ठीक है, बदनाम। नेक्स्ट है न्यूएंस। न्यूएंस कहते हैं बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस हो, यानी कि सटल डिफरेंस इन कलर, मीनिंग एट्सेट्रा, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट सा सूक्ष्म भेद, ठीक है, न्यूएंस कहलाता है। फिर है न्यूमिसमैटिक्स। अब मैथमेटिक्स पता है, न्यूमिसमैटिक्स, न्यूमिस ये जो वर्ड होता है सिक्कों से रिलेटेड होता है, कॉइन्स, यानी कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट है नर्सरी। नर्सरी आपको पता है द प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन। नेक्स्ट है ऑब्सक्यूरेंटिस्ट। ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, ठीक है, लाइटमेंट का अपोज करें, ठीक है, जो इंसान एनलाइटमेंट का अपोज करे, हु इज अपोज टू एनलाइटमेंट, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, मतलब लर्निंग से नफरत करने वाला, वो क्या था, वो नफरत करने वाला कौन सा था, मीजोलॉजिस्ट था, ये है, ये भी नॉलेज से क्या कर रहा है, उसका नफरत नहीं, उसका अपोज कर रहा है, तो वहां पे वर्ड यूज होगा ऑब्सक्यूरेंटिस्ट, ठीक है, तो ये चीजें आ सकती हैं। नेक्स्ट है ऑब्सीक्वीज। ऑब्सीक्वीज कहते हैं जो आखिरी आपकी वो होती है अंतिम संस्कार, फंडल राइट्स, उसे कहते हैं ऑब्सीक्वीज। ऑब्सोलीट कहते हैं जो चीज पुरानी हो गई हो, जो अब यूज में ना हो, यानी कि दैट विच इज नो लॉन्गर इन यूज, ऑब्सोलीट हो गई है। नेक्स्ट है ऑक्टागन, जिसमें क्या हो, एट साइड्स हो, विथ एट साइड्स। ओलिगार्की क्या कहलाता है, देखिए ओलिगार्की कहते हैं छोटा सा ग्रुप हो लेकिन पावरफुल पर्सन हो, यानी कि अ गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पर्सन, जो हमने मोनार्की एनार्की सब पढ़ाए थे उसी के साथ एक ये भी वर्ड होता है ओलिगार्की, तो उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो एक बहुत ही छोटे से ग्रुप के थ्रू चले आ जाए लेकिन वो पावरफुल पर्सन हो। ओमनीफॉर्म, तो हैविंग एवरी फॉर्म ऑफ शेप, फॉर्म कह रहे हैं यानी कि जो हर तरह का शेप या फिर हर तरह की फॉर्म ले सके, हैविंग एवरी फॉर्म ऑफ शेप। ओमनीजेनस, ओमनीजेनस कहेंगे जो सारे टाइप का हो, ठीक है, जेनस मतलब टाइप्स, तो कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स। ओमनीपोटेंट, पोटेंट क्या मतलब होता है, पोटेंशियल पावर, ठीक है, तो ऑल पावरफुल, अब जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो कौन होगा, गॉड, इसलिए ओमनीपोटेंट वर्ड यूज करते हैं गॉड के लिए, ठीक है, मतलब गॉड की ये सब समझ लीजिए क्वालिटीज में आता है, अगर गॉड की क्वालिटीज डिफाइन कर रहा हूँ आपको वन वर्ड में, तो आप बोलेंगे ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसेंट, ठीक है। अब ओमनीप्रेजेंट मतलब प्रेजेंट, जो हर जगह रहता हो, एवरीवेयर, प्रेजेंट इन एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीसेंट कहेंगे जो सब कुछ जानता हो, यानी कि नोइंग एवरीथिंग, तो ये तीनों जो वर्ड्स होते हैं ना गॉड के लिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ओमनी वर्ड इसमें लगा है, ठीक है, और बाकी जेनस यानी कि हर टाइप का, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, ओमनी जेनस हो गया, या फिर कोई भी फॉर्म शेप ले सकता है, कोई ऐसी चीज़ है तो वहाँ पर भी ओमनी फॉर्म यूज करेंगे, तो ये आपका वन वर्ड हो गया। आप जल्दी से इडियम फ्रेजेस देख लेते हैं। देखिए कल हो गया था आपका सेट वंस फेस अगेंस्ट, ठीक है, अपोज करना किसी का बहुत सख्ती से। आज होगा हमारा सेट वंस हार्ट ऑन। हार्ट ऑन मतलब कि बहुत ज्यादा चाहना, ठीक है, टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग। नेक्स्ट सेट वंस टीथ ऑन एच। टीथ ऑन एच का क्या मतलब है,
किसी को परेशान करना, यानी कि टू इरिटेट और एनॉय समवन। ओके, नेक्स्ट है सेट द थेम्स ऑन फायर। अब थेम्स रिवर आपने सुनी होगी, ठीक है, थेम्स रिवर। अब ये क्या कह रहे हैं, थेम्स ऑन फायर मतलब सरप्राइजिंग अमेजिंग वाली चीज ही आ रही, टू अचीव समथिंग अमेजिंग, कुछ आप ऐसा अचीव करें जो बहुत अमेजिंग सा हो। शोल्डर टू शोल्डर विद यूनाइटेड एफर्ट, पूरी जितने भी लोग हैं सब क्या करें, यूनाइट होकर एफर्ट करें पूरे सहयोग के साथ, शोल्डर टू शोल्डर, ठीक है। शो वाइट वेदर फेदर, फेदर क्या होता है, पंख होता है, वाइट फेदर क्या मतलब है, शो करना, वाइट फेदर शो करना मतलब डर दिखाना, यानी कि टू शो कावर्डाइज। साइन डाई, साइन डाई क्या मतलब है कि इनडेफिनेटली, एक होता है डेफिनेट टाइम के रिस्पेक्ट में बात होती है और एक होता है इनडेफिनेट, तो इनडेफिनेटली जो चीज होगी साइन डाइस के लिए इडियम यूज होता है। नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस, मतलब कि किसी भी साइड में ना होना, किसी कोई मैटर अगर आप चल रहा है और आप दोनों के साइड किसी के भी साइड नहीं है तो आप वहां पे ये यूज कर सकते हैं, यानी कि रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, किसी का भी साइड लेने से मना कर देना। नेक्स्ट है स्लिप ऑफ द टंग, अब क्या कर रही है इनकी टंग स्लिप कर जा रही है, यानी कि जुबान फिसल रही है, स्पोकन अनइंटेंशनली, जो नहीं बोलना चाह रहे हैं वो अनइंटेंशनली बोले जा रहे हैं। नेक्स्ट है स्लो कोच, लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग है, अ पर्सन विद लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग। नेक्स्ट है स्मॉल फ्राई, स्मॉल फ्राई मतलब क्या है कि वैल्यू नहीं है, एकदम किसी इंसान की वैल्यू ना होना, यानी कि इनसिग्निफिकेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। स्मेल अ रैट, अभी हम बता चुके थे स्मेल अ रैट, टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन, ठीक है, कि कुछ गलत है ये चीज महसूस कर लेना, स्मेल अ रैट। नेक्स्ट है स्मूथ सेलिंग, अब सेलर क्या होता है, जो नाव चलाता है, ठीक है, स्मूथ सेलिंग की इजी प्रोग्रेस, ठीक है, किसी भी परेशानी के बिना वो आगे आराम से स्मूथली वो क्या करें निकल जाए, तो स्मूथ सेलिंग आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्नेक इन द ग्रास, ये तो बहुत कॉमन है, असीन का सांप होना मतलब कि एक ऐसा दोस्त जो कि दुश्मन के फॉर्म में हो, यानी कि अ सीक्रेट एनिमी। शेक इन द शूज, शेक इन द शूज, देखो आपको बहुत से लोग क्या करते हैं जब टेंशन में होते हैं तो पैर हिलाते रहते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो कांप रहे हैं डर से, यानी कि अ ट्रेम्बल विद फियर और एप्रिहेंशन, ठीक है, शेक इन द शूज। नेक्स्ट है सो द ड्रैगन्स टीथ, अब सो मतलब क्या होता है, सो मतलब बोना, बीच बोना ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं, ड्रैगन्स टीथ बोना, अब ये समझ में आ रहा है, इसके लिए सो वर्ड यूज हुआ है, यानी कि आप फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं, परेशानी इकट्ठा कर रहे हैं, टू क्रिएट फ्यूचर ट्रबल्स फॉर योर सेल्फ और अदर्स। नेक्स्ट है स्पीक वंस माइंड, स्पीक वंस माइंड, ठीक है, किसी के मन की बात करना, यानी कि स्पीक वॉट वन रियली थिंग्स, जो कुछ सोच रहा हो आप वो बोलें तो वहां पर ये यूज होगा। नेक्स्ट है स्पीक एंड स्पैन, मतलब कि इन ऑर्डर नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा, स्पीक एंड स्पैन। नेक्स्ट है स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स, वन ओन्स लेग, और इधर स्टैंड आया, यानी कि अपने पैरों पे खड़ा होना, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होना। नेक्स्ट है स्टैंड स्टिक टू वंस गन्स, स्टैंड या फिर स्टिक टू वंस गन्स, कहते हैं ना कोई भी चीज अगर इंसान बहुत ही रिजिड होकर कहता है तो क्या करते हैं, जैसे गांव वाले होते हैं तो डंडा एकदम जमीन में वहां पे एक जगह पे फिक्स करके और फिर बोलते हैं कि ये चीज होगी तो होगी, इसका मतलब यानी कि अपनी चीजों पे स्ट्रिक्ट रहना, रिजिड रहना, डिटरमाइंड रहना, टू बी स्ट्रिक्ट एंड डिटरमाइंड हो जाएगा, अटल रहना, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंड समबडी इन गुड स्टेड, यानी भी कोई चीज बहुत ज्यादा फ्रूटफुल प्रूफ होना, यानी कि टू बी अ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन, किसी के लिए बहुत ज्यादा क्या हो, फायदेमंद हो, स्टैंड समबडी इन गुड स्टेड। नेक्स्ट है स्टील अ मार्च, स्टील मतलब चुराना, चुपके से, चुपचाप से क्या करना, चुपचाप से क्या करना, फायदा उठा लेना, यानी कि टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाई सीक्रेट मीन्स। नेक्स्ट है स्टेप इन टू अनदर शूज, अब स्टेप लेना दूसरों के शूज से, ठीक है, अनदर शूज मतलब किसी दूसरे की जगह लेना, यानी कि टू टेक ओवर अ जॉब या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है स्टिफ नेक्ड पर्सन, अब नेक कह रहे हैं, स्टिफ वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं कि उस इंसान की गर्दन नहीं झुकेगी, गर्दन नहीं झुकेगी मतलब क्या है कि वो बहुत ढीठ है, एरोगेंट है, स्टबर्न है, एरोगेंट है, स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है, ठीक है, स्टिफ नेक्ड पर्सन। नेक्स्ट है स्टायर अ फिंगर, स्टायर अ फिंगर मतलब कि ट्राई करना, कोशिश करना, मेकिंग एफर्ट। नेक्स्ट है स्टोन्स थ्रो,
स्टोन्स थ्रो हम क्या करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, बहुत ज्यादा दूर तो हम फेंक नहीं सकते हैं, अगर आप किसी सी वगैरह में फेंकेंगे तो वो थोड़ी ही डिस्टेंस पे जाके गिर जाएगा, यानी कि बहुत पास, वेरी नियर हम बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है, वहां पर हम ये इडियम यूज करते हैं स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट है स्ट्रीट अरब्स। स्ट्रीट अरब्स मतलब जिसके पास घर ना हो, ठीक है, अ होमलेस पर्सन। नेक्स्ट है सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का क्या मतलब है कि आप किसी भी चीज का निचोड़ पे आइए, निचोड़ बताइए, यानी कि आपका आइडिया क्या है, जिस्ट क्या है, मेन आइडिया और जिस्ट पे आना, ठीक है। सम एंड सब्सटेंस, डिटेल का अपोजिट समझ लीजिए। नेक्स्ट है स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग कहते हैं जो फेयरवेल होती है या फिर लास्ट सेरेमनी होती है उसमें जो भी चीज होती है, कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं उसे कहते हैं स्वैन सॉन्ग, वहां पे यूज करते हैं। तो आपके इडियम्स हो गए, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच।